हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन किचन एक्सपर्ट कॉर्नर। आज हमारे किचन में बनने वाला है प्रसाद। जी हाँ, इस प्रसाद को बनाने के लिए हम सिर्फ 4 चम्मच घी को अच्छे से गरम कढ़ाई में डालने वाले हैं। ये प्रसाद विष्णु जी का प्रसाद, सत्यनारायण की पूजा में बनने वाला प्रसाद, आटे की पंजरी है। ये आटे की पंजरी हमारे कृष्ण जन्माष्टमी पर भी बनती है। तो इस पंजरी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है सिर्फ 4 चम्मच घी। कढ़ाई को हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हमें डालना है गेहूँ। यहाँ पे रेशियो रहेगा हमारा, आटा अगर 1 कटोरी है तो 4 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे घी के। 1 चम्मच घी आप बचा लीजिए और उसको हम सबसे अंत में डालेंगे। हमेशा मावों को पहले भुना जाता है, पर मैं बाद में क्यों भून रही हूँ इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और मखाने लिए हैं। थोड़ी किशमिश और पिस्ता भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इतना बहुत है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने बाद में क्यों भूनने के लिए रखा है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास कच्चा मेवा है उसको गर्म होने के लिए हमारी कढ़ाई को भी बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको इसमें इस समय डाला है, क्योंकि हमारी इस समय कढ़ाई बहुत अच्छे से। आप चाहें तो इसमें गुड़ का पाउडर, चीनी का पाउडर या फिर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी ऐड। मैं प्रसाद बांटने के समय में मिश्री डाल के उसको बांटती हूँ। इस तरह से मैंने जन्माष्टमी के त्यौहार पर ये थाली बनाई थी, जो आप लोगों के साथ मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी की थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर नवरात्रि के लिए ऐसी ही रेसिपीज़ का पूरा कलेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।